जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि सृष्टिकर्ता की ये जो सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। तो इन योनियों में, जैसे कि हमने आपको बताया कि पेड़ पौधों की भी योनि होती है भाई, इसमें भी जीवात्मा होती है। जो आत्मा 84 लाख योनियों में एक 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 शरीर बदलती है, वही अनाज में भी होती है, फलों में भी होती है, सब्जियों में भी होती है, घास फूस में भी होती है। तो फिर भाई वृक्ष लताओं में भी जब ये सारे जीव जंतु होते हैं, तो फिर इनको खाना यानी कि अन्न को खाना तो फिर पापमय हो गया, तो फिर उसका भी पाप लगेगा। तो इसी विषय पर आज जानकारी लेके आए कि देखिए, सृष्टि करना कर्ता ने जब सृष्टि को बनाया तो सभी के अंदर अपने प्राण दिए हैं, सभी के अंदर अपने जीव जो हैं वो जो जीवन है वो दिया है, अपने अंश दिए हैं। तो उसी प्रकार से अनाज अन्न के अंदर भी प्रभु का वास होता है। तो अगर आप अन्न को या किसी भी चीज़ का भक्षण करते हैं, किसी भी प्रकार का सृष्टि में सुख ग्रहण करते हैं, और अगर उसमें आप भगवान को याद नहीं करते हैं, तो उसका भी दोष लगता है, दोष लगता ही है। तो इसीलिए मनुष्य के लिए इस सृष्टि में सिर्फ यही चीज़ है कि पेड़ पौधे वाली जो चीज़ें होती हैं, ये जो योनियाँ होती हैं पेड़ पौधे की, अन्न की, तो यही एक ऐसी योनि है जिसको शरीर के पोषण के लिए आप खा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जीव जंतु होते हैं, मांसाहार होता है, उसकी अनुमति नहीं दी इस सृष्टिकर्ता ने। सृष्टिकर्ता ने आपको अनुमति दी सिर्फ पेड़ पौधे अन्न खाने की, कि भाई इसको आप खा सकते हो, पर उसमें भी दोष लगता है, क्योंकि उसमें भी भाई प्राण तो हैं, जीव तो वो भी है। तो ऐसा क्या करें कि हम किसी भी प्रकार के दोषों का हम पर असर ना हो? तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि जब भी आप इस सृष्टि में किसी भी वस्तु का सुख भोगते हैं, तो पहले उसको अपने प्रभु को समर्पित करना चाहिए। जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो पहले अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अगर आप किसी भी प्रकार का भोजन आपके घर में बना है, अब भोजन बना है और उस पर आप तुलसी पत्र रखकर और आप प्रभु को भोग लगाते हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं, अगर आप घर के बाहर हैं तो बस आप प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं अपनी तुलसी माला को छूकर कि प्रभु धन्यवाद, आपने ये जो मुझे भोजन दिया, और आप फिर भोजन ग्रहण करते हैं, तो फिर आपको दोष नहीं लगता। वरना अन्न में भी, क्योंकि प्राण होते हैं, उसको आप फसल उगाते हो फिर काटते हो, तो कितने जीव जंतु भी मरते हैं, फिर वो जो पौधा मरता है, फिर उससे आप उसको पीसते हो, उसके बाद फिर आप उसको भोजन के रूप में करते हो, तो उसके भी दोष लगते हैं, इतना ध्यान देना पड़ता है। तो जब आप प्रभु को कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं, तो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि भाई आप जो भी चीज़ें सुख इस जीवन में मिलता है, प्रभु को उसके लिए धन्यवाद बोलें, जिससे कि आपको उन चीज़ों का दोष ना लगे। तो मोक्ष के यात्रा पे जो लोग चल रहे हैं, जो मोक्ष की कामना से जीवन में चल रहे हैं, वो हर चीज़ प्रभु को अर्पित करते हुए चलें और अपने आप को भगवान को समर्पित करके चलें कि भाई मैंने अपने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, अब मैं भोजन भी ग्रहण करता हूँ, जल भी ग्रहण करता हूँ, तो प्रभु को पहले ये प्रार्थना करता हूँ कि ये आप ग्रहण कीजिए, और आपने मुझे ये ग्रहण करने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप प्रभु को अर्पण करके आप ग्रहण करते हैं, तो फिर वो आपको दोष नहीं लगता। और ये सिर्फ पेड़ पौधे, जैसे कि फल होते हैं, अन्न होता है, इसके ऊपर लागू होता है, मांसाहार पे नहीं। कि आप सोचो कि मांसाहार भगवान को चढ़ा के मैं ग्रहण कर लूँ, तो नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में उसको ग्रहण करने की, भक्षण करने की अनुमति ही नहीं है, कि कोई भी मनुष्य जो है वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। और ये हमारे जो राजा महाराजा और पहले के जो युग होते थे कलयुग के पहले, उस समय भी मानव इनको ग्रहण नहीं करते थे, सिर्फ दानव दैत्य दानव जो होते थे, क्योंकि वो योनियाँ अलग थी, प्रत्यक्ष थी, दैत्य दानव जो होते थे वो इसको ग्रहण करते थे, क्योंकि उनकी वो योनियाँ थी। जैसे कि मांसाहारी जीव होते हैं, शेर होता है, कुत्ता होता है, जो दूसरे जीव जंतु होते हैं जो मांसाहार करते हैं, तो ये उनकी योनियाँ हैं। उसी प्रकार से दैत्य दानों की योनि होती थी जो मांसाहार कर सकते थे, तो वो क्योंकि मानव देह में नहीं होते थे, मनुष्य रूप में नहीं होते थे। लेकिन मनुष्यों को, जिनको मनुष्य की देह मिली है, ना तो उस समय मांसाहार करने की अनुमति थी और ना अभी है, तो मनुष्य देह में मांसाहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आप अन्य भी ग्रहण करते हैं, तो पहले प्रभु को भोग लगाएं, उनको धन्यवाद बोलें, और उनको ग्रहण करने के लिए कहें कि आप इसे ग्रहण करें, और इसके सारे दोष जो हैं, वैसे तो तुलसी माला अगर आपने ग्रहण की है तो दोष समाप्त हो ही जाते हैं। जब आप तुलसी माला गले में ग्रहण करते हैं, कंठी माला आपके गले में होती है, तो जो भी, जैसे जल ग्रहण कर रहे हैं आप, तो वो पवित्र होकर ही अंदर जाता है। अब भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो सारे दोष समाप्त होने के बाद ही वो आपके अंदर जाता है। तुलसी माला के बीच में से जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, अन्न जल, वो पवित्र होकर ही जाता है। अन्न और जल, मांसाहार नहीं, अन्न और जल, वो पवित्र होकर ही अंदर जाता है। इसलिए तुलसी माला ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा, सृष्टि में सबसे ज़्यादा पवित्र अगर कोई औषधि है, तो वो माँ तुलसी है। सबसे ज़्यादा माँ तुलसी ही पवित्र है, जो हर वस्तु को पवित्र कर देती है।
ये थी जानकारी भोजन के ऊपर कि भाई अन्न ग्रहण करने से पहले भी प्रभु को जरूर आप एक बार भोग लगाएं कि प्रभु इसको ग्रहण करें। भले ही आप रास्ते में हैं किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ तो आप भोग नहीं लगा सकते अलग से प्लेट लगा के, तो वहाँ प्रार्थना करें कि प्रभु आप इसे ग्रहण करें, भोग लगाएं, और उसके बाद जब आप उसको अपने तुलसी माला ग्रहण की हुई, धारण की हुई, आप जब उसको ग्रहण करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। ये थी जानकारी अन्न के ऊपर, अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।